तो कम्युनिटी पोस्ट में चार थंबनेल को मैं पोस्ट किया था और मैं आप लोग से सवाल पूछा था कि किस थंबनेल पर ट्यूटोरियल चाहिए। तो आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 एंड इस थंबनेल को चूज किया। तो फाइनली मैं इस थंबनेल का ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो आज हम लोग इस थंबनेल को रिक्रिएट करने वाले हैं जिसपे तुम लोग को बहुत ज़्यादा इस पर वोटिंग मिला हुआ था मुझे। तो सबसे पहले तुम लोग को यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और इमेज साइज पर क्लिक करके कस्टम पर क्लिक करना है और तुम लोग का यूट्यूब चैनल बनाने को सिलेक्ट कर लेना है। तो तुम्हारा थंबनेल का साइज सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब तुम लोग को सिंपली करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर एक बैकग्राउंड को एड करना पड़ेगा इस थंबनेल को बनाने के लिए। तो सबसे पहले तुम लोग को बैकग्राउंड को एड करने के लिए तुम लोग को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर तुमको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके और बैकग्राउंड को एड कर लेना है। तो सिंपली मैं इस बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूँ और हाँ, इसका ऑल मटेरियल तुमको मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इजीली तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली देखो, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड तो ऐड कर लिया हूँ। अब तुम लोग को हर चीज़ देखना है इस थंबनेल में कि क्या क्या कौन कौन से PNG कहाँ कहाँ ऐड करना है और कैसे कैसे करना है। बट तुम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा ये सारी चीज़ मैं कैसे ऐड करूंगा और कैसे कैसे एडजस्ट करूंगा। तो अब तुम लोग को करना क्या पड़ेगा, जो भी फोटो तुम अपने थंबनेल के लिए क्लिक किए हो उसको सबसे पहले इसमें ऐड कर लेना है। तो जैसे इन्हीं लोगों जैसे फोटो को मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इंपोर्ट पर क्लिक करके उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक कर दिया हूँ और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, सो कुछ इस तरीके से। और सबसे पहले ना इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ और इस पर क्लिक करके इसको ऊपर की साइड कर लेता हूँ कि इधर रहे, और इसको तुम लोग को एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। सिंपली तुम ध्यान से देखना। तो एडजस्ट करने के बाद अब तुम लोगों को सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसको लॉक कर देना है, जैसे कोई भी हम जैसे चीज इधर से उधर मिसिंग ना हो और हम लोग को मिस्टेक ना हो थंबनेल जैसे क्रिएट करना है। तो सिंपली जैसे इसको एडजस्ट करने के बाद अब तुम लोगों को जैसे थंबनेल में देखना है कि कौन से PNG को हम लोग को ऐड करना है। तो सिंपली हम लोग नीचे से पर PNG ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे हम लोग को दिख के आ रहे हैं यहाँ पर रेड कार, तो सबसे पहले हम लोग इसी रेड कार को यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और इस रेड कार के जो PNG इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो इसको यहाँ पर ऐड करने के बाद जो यहाँ पर जो लेफ्ट में है इसको हम लोग को राइट कर देना है और सही पर टिक कर देना है। सही पर टिक करने के बाद इसको यहाँ पर छोटा करना है और जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ तुम लोग को उसी तरीके से करना है, जैसे देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें जैसे तुम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा, बाय द वे थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा तो थोड़ा सा आप लोगों को भी जैसे मिस्टेक जैसे दिक्कत हो सकता है। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ, सो कुछ इस तरीके से तुम लोग को एडजस्ट कर लेना है और तुम लोग को इसको भी लॉक कर देना है। और याद रहे, इसका ऑल मटेरियल तुमको मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इजीली तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या तुमको मेरे टेलीग्राम पर भी मिल सकता है जहाँ से मोना से तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली इसको ऐड करने के बाद अब तुम लोग को हर जो भी PNG इसमें यूज किया गया ना सब तुमको मेरे जैसे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जैसे मैं ऐड करते जा रहा हूँ उसी तरीके से तुमको ऐड करते जाना है। तो अब तुम लोग को इंपोर्ट पर क्लिक करना है और इस वाले PNG को ऐड कर लेना है जो मैं यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ। इसको जैसे लेफ्ट से राइट कर देना है ऐसे मैं कार जैसे कार PNG के साथ किया था। और याद रहे, थोड़ा सा बोलने मिस्टेक हो रहा है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। इसको मैं छोटा कर लेता हूं और जैसे मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूं थोड़ा सा इसको भी ध्यान से देखना जैसे जैसे मैं कर रहा हूं। सो कुछ इतना कर देना है इतना, और इसको भी तुम लोगों को करना क्या पड़ेगा, इस पर टैप करना है और कार के पीछे लेकर चले जाना है और इसको लॉक कर देना है, ठीक है। फिर तुम लोग यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करना है और इस जो ग्लास का जो PNG है ग्लास का उसको ऐड करना पड़ेगा तुम लोग को। जिसको मैं ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर, देखो यहाँ पर तुमको अगर मिस्टेक होना जैसे यहाँ पर एडजस्ट करने में, तो सिंपली तुम लोग को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और दोनों फिंगर के मदद से तुम लोग को जूम कर लेना है कि जैसे जो भी PNG हो अच्छे से एडजस्ट हो पाए। तो सिंपली मैं इतना जूम कर लिया हूँ और फिर से तुम लोग को इस बार एक बार टैप कर देना है और इसको अच्छे से एडजस्ट करना है। तो सिंपली इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, सो कुछ इतना। और फिर तुम लोग को इसका डुप्लीकेट बनाना है। तो सिंपली तुम लोग को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करना है तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा करना है, जैसे इस वाले थंबनेल में तुम लोग को दिख रहा होगा तो इससे थोड़ा सा छोटा करना है, थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा हो गया तो इसको थोड़ा सा बड़ा हम लोग कर लेंगे। सो यहाँ पर रख लेंगे। फिर तुम लोग को एक और कॉपी बनाना है, बनाने के बाद इसको तो उससे थोड़ा सा छोटा करना है, ठीक है। जो सेकंड वाला यहाँ पर PNG तुम ऐड किए हो उससे थोड़ा सा छोटा करना है, सो कुछ इतना। अब तुम लोग को इसको तीनों को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अब सिंपली तुमको देखिए यहाँ पर इस वाले PNG को ऐड करना है, ठीक है। तो अब तुम लोग को इसको प्लस आइकन पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, सो कुछ इस तरीके से इतना। और तुम लोग को फिर से एक बार इस पर टैप कर देना है और इस वाले PNG को तुम लोग को ना ऐड करना है। तो सिंपली मैं इंपोर्ट पर क्लिक करके उसको ऐड कर लेता हूँ। इसको ऐड करने के बाद तुम लोग को वाटरमार्क जैसे क्रॉप कर लेना है और इसको जैसे लेफ्ट राइट जैसे मैं कर रहा था उसी तरीके से तुम लोग कर लेना है। करने के बाद इसको थोड़ा सा तुम लोग को छोटा करना है और यहाँ पर एडजस्ट करना है अच्छे तरीके से, सो इतना, ठीक है। क्योंकि नीचे हम लोग को एक और जैसे PNG को ऐड करना पड़ेगा, सॉरी मुझे वो पहले ही तुमको बताना चाहिए था बट मैं उसको नहीं बता पाया, उसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले इसको जैसे एडजस्ट करने के बाद तुम लोग को इसको भी लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद इसको हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर पूरा जूम आउट करना है एंड अब तुम लोग को इंपोर्ट पर क्लिक करना है और इस टेबल PNG को तुम लोग को ऐड कर लेना है जो मुझे पहले ही इसके बारे में बता देना चाहिए था और ये पहले ही जैसे ऐड करना चाहिए था बट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो सिंपली देखो इसको ऐड करने के बाद इसको करना क्या पड़ेगा, इस तरीके से बड़ा करना है
और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग एडजस्ट करेंगे ठीक है सिंपली। तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा, इसको कार के पीछे लेकर चले जाना है, कार के पीछे का पूरा भी पीछे कर देना है। सो कुछ इतना, और यहाँ पर हम लोग एडजस्ट करेंगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ सिंपली कुछ इतना तुम लोग को एडजस्ट कर लेना है कि दिखे कि कुछ जैसे किसी चीज़ पर रखा गया है गिलास और ये जो भी PNG ऐड किया गया है ठीक है। तो नीचे के साइड जो भी PNG वगैरह है सब मैं ऐड कर लिया हूँ, बट जो भी यहाँ पर तुम टेबल अभी यहाँ पर ऐड किए हो इसमें, तो उसको एक बार सेलेक्ट करना है तुम लोगों को, और सेलेक्ट करके तुम लोग को यहाँ पर स्क्रॉल करके जाना है जैसे कलर वाले ऑप्शन में, और तुम लोग को जो भी यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला ना इसको पूरा आप लोग को माइनस कर देना है ठीक है, माइनस करके सही पर टिक कर देना है, तो कुछ ऐसा तुम लोग को कलर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इसको कर देने के बाद तुम लोग को जैसे इसको तो लॉक ही है सॉरी, अब देखो करना क्या पड़ेगा सिंपली यहाँ पर तुम लोगों को ना इंपोर्ट पर क्लिक करना है और शैडो PNG को जैसे ऐड कर लें, जैसे जो भी काम है हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे नीचे से ही, तो इसको शैडो को मैं पर ऐड कर लेता हूँ। सो तो ऐड करने के बाद अब तुम लोग को इसको एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, तो सिंपली इसको थोड़ा सा बड़ा करना है और इसको कुछ इस तरीके से कर देना है, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा पतला करना है इस पर क्लिक करके, और तुम लोग को यहाँ पर कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, सो इतना कर देना इतना, हाँ परफेक्ट है। अब तुम लोग को इतना थोड़ा सा और नीचे हम लोग कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो गया, इतना कर देने के बाद अब तुम लोग को इसको भी लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद नीचे का काम तो पूरा कंप्लीट हम लोग को हो चुका है, बट अब जो ऊपर का काम है इसको फ्रंडी करके रखना है जैसे इस वाले को, क्योंकि इसी थंबनेल से हम लोग ये देख देख कर जैसे हम लोग बना रहे हैं तो कहीं पर मिस्टेक ना हो सके ठीक है। तो सिंपली देखो क्या करना पड़ेगा अब हम लोग को, अब ऊपर के साइड जो भी PNG उसको हम लोग ऐड करेंगे जैसे फटाफट। तो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पर एक कोना में सबसे पहले तुम PNG एक देख सकते हो यहाँ पर ऐड किया गया है, जो मैं उसको ऐड करूंगा तो तुमको समझ में आएगा। तो सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट पर तुम लोग क्लिक करना है और उसको भी ऐड कर लेना है, जैसे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ फटाक दे। तो इसको ऐड करने के बाद अब तुम लोग यहाँ पर लेकर आना है सिंपली यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा छोटा भी करना है सिंपली इतना, और यहाँ पर रखना है और इसको टू बैक कर देना है। सो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा छोटा ही हो गया, तो इसको देखो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको इस बड़ा कर देना, और यहाँ पर तुम लोग को इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तो एडजस्ट करने के बाद अब तुम लोग को इसको भी लॉक कर देना है सिंपली, और लॉक करने के बाद अब तुम लोग को इसमें देखना है कौन कौन से PNG ऐड करना है। तो नेक्स्ट PNG इस थंबनेल में कौन सा यूज किया गया है अब तुम देख सकते हो। तो सिंपली इधर का तो ये वाला काम कंप्लीट हो चुका है, अब इन लोगों का जैसे फोटो के पीछे जो PNG ऐड किया गया ना उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो सिंपली इसको मैं छोटा करके साइड कर लेता हूँ और इंपोर्ट पर क्लिक करके उस PNG को ऐड कर लेता हूँ, ऐड कर लिया हूँ। और ऐड करने के बाद ना सिंपली इसको अब एडजस्ट करना पड़ेगा, सिंपली इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना थोड़ा सा मिस्टेक ना हो। तो इतना कर देने के बाद तुम लोगों को थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, और इतना कर देने के बाद तुम लोगों को टू बैक कर देना है और थोड़ा सा नीचे करना है कुछ इतना, और तुम लोगों को इसको भी लॉक कर देना है ठीक है। लॉक करने के बाद अब तुम लोगों को सिंपली अब पीछे तुम देख सकते हो एक और यहाँ पर PNG का जैसे झोपड़ी टाइप का है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट पर मैं क्लिक करके उसको भी ऐड कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसको भी ऐड कर लिया हूँ, और ऐड करने के बाद अब तुम लोग को इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर करके और इसको टू बैक कर देता हूँ, सो इतना, तो तुम देख सकते हो इसको यहाँ पर इतना एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद तुम लोग को इसको भी यहाँ पर लॉक कर देना है। सो लॉक करने के बाद अब तुम लोग को देखना है इस जैसे थंबनेल में कौन कौन से PNG अभी ऐड करना बाकी है। तो अब तुम यहाँ पर देख सकते हो ये सब तो हम लोग कर लेंगे अभी, अभी तुम यहाँ पर कोना में देख सकते हो यहाँ पर एक PNG का जैसे दो PNG यहाँ पर ऐड किया गया, तो उसको मैं ऐड करके तुम लोग को दिखाता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट पर तुम लोग को क्लिक करना है, और एक जैसे पत्थर का जो PNG यहाँ पर ऐड किया गया वहाँ पर, और थोड़ा सा मैं इसको रूटेड कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इतना और इसको टू बैक कर देता हूँ। टू बैक करने के बाद अब तुम लोगों को सिंपली इसको थोड़ा सा और मैं इधर कर लेता हूँ। इतना करने के बाद तुम लोगों को फिर से इंपोर्ट पर क्लिक करना है और उस लाइट PNG को जैसे ऐड कर लेना है। तो सिंपली मैं इसको ऐड कर लेता हूँ जो तुम देख सकते हो। इसको ऐड करने के लिए तुम लोग को वही है जैसे ट्रिक अप्लाई करना, ट्रिक नहीं है बट उसी स्टेप को तुम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करो और इसको जूम करो सिंपली कुछ इस तरीके से, और तुम लोग को इस पर एक बार टैप कर लेना है और इस PNG को यहाँ पर कुछ इस तरीके से करना है, और तुम लोग को यहाँ पर कर लेना है सिंपली देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो इसको टू बैक कर देना, एडजस्ट हो गया। इसको भी तुम लोगों को जैसे दोनों को लॉक कर देना है, और फिर से तुम लोगों को प्लस आइकन पर क्लिक करके इसको जूम आउट कर देना है ठीक है। तो अब तुम लोगों को सिंपली अब ऊपर वाला जैसे स्टेप हम लोगों को बाकी है, तो सिंपली ऊपर साइड जो भी PNG उसको ऐड कर लेता हूँ फटाफट। तो ऐड करने के बाद इसको भी यहाँ पर लेफ्ट राइट कर देना है जैसे मैं बहुत सारे यहाँ पर PNG में जैसे किया। तो सिंपली इसको मैं ऐड करने के बाद ना यहाँ पर तुम लोग को आ जाना है, और यहाँ पर छोटा करना है तुम लोगों को, और थोड़ा सा तुम लोगों को रूटेड करना है। सो कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ऐसे कर लेने के बाद अब तुम लोगों को इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद फिर से तुम लोगों को इंपोर्ट पर क्लिक करना है और एक ग्लास PNG को ऐड कर लेना है। ऐसे मैं पर ऐड कर लिया और इसको क्रॉप करके इसको मैं ऐड कर लिया हूँ, और इसको भी थोड़ा सा रूटेड करना है, और यहाँ पर तुम लोगों को सिंपली छोटा करके एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। बट इतना कर देने के बाद थोड़ा सा और रूटेड हम लोग कर देंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा और इधर कर देंगे हम लोग, थोड़ा सा और छोटा करके
यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद अब तुम लोग को सिंपली इसको भी तुम लोग को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अब तुम लोग यहाँ पर इंपोर्ट पर तुम लोग को क्लिक करना है और कुछ पेड़ पीएनजी का जैसे इसमें ऐड करना है, जो साइड साइड से यहाँ पर यूज किया गया है उस थंबनेल में। सिंपली तुम इस वाले थंबनेल में देख सकते हो यहाँ पर साइड साइड में यहाँ पर ऐड किया गया है, तो उसको हम लोग जैसे यूज करने वाले हैं। तो सिंपली इसको फ्रेंडी करके रखना है, इसको छोटा कर लेंगे और इसको हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर की साइड कर देंगे और इसको हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग कर देंगे, ठीक है। कुछ इतना इतना कर देंगे, इसका एक कॉपी हम लोग बनाएंगे और क्रॉप लेयर पर क्लिक करके इसको लेफ्ट राइट कर देंगे, ठीक है। तो इधर भी हम लोग यूज कर लेंगे। सो कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद अब तुम लोग को इसको भी लॉक कर देना है। सो इसको अगर एडजस्ट करना चाहो तो थोड़ा बहुत इधर से उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सिंपली इसको लॉक हम लोग कर देंगे। लॉक करने के बाद अब तुम देख सकते हो ऊपर की साइड हम लोग क्या है, सेफ एक पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा। इंपोर्ट पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। सो क्लिक करने के बाद इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, देख सकते हो। इसको हम लोग पतला करेंगे थोड़ा सा, इसको छोटा करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल करके जाएंगे रूटेड वाला ऑप्शन में और रूटेड जैसे -2 कर देना है तुम लोगों को और यहाँ पर तुम लोगों को रखना है। सो रखने के बाद तुम लोग यहाँ पर अब इसका जो टाइटल है जैसे टेक्स्ट जो क्या क्या इसमें चैनल का इन लोगों का नाम लिखा है जैसे उसको मैं लिख लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट वाला ऑप्शन में चले जाएंगे, एक्स न्यू टेक्स्ट को ले लेंगे। लेने के बाद इसका जैसे ARK लिखा हुआ है आदिल, जैसे मैं लिखता हूँ ARK आदिल और बीच में थोड़ा सा स्पेस देखिए डंटा देना है और फर्जेंट लिखना है। सिंपली इस तरह से लिखने के बाद तुम लोगों को इसको इस तरीके से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, छोटा करना है इस तरीके से और तुम लोग को यहाँ पर स्क्रॉल करके जाना है AB वाले ऑप्शन में जैसे फॉन्ट वाले ऑप्शन में। और जाने के बाद तुम लोग को यहाँ पर कोई फॉन्ट तुम यूज कर सकते हो, मैक्सिमम मैं इस वाले फॉन्ट को ऐड कर लेता हूँ जिसे अभी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और इस शेप का ना जो कलर है उसको मैं बताना भूल गया, कलर वाले ऑप्शन में चले जाना है और इसका जो कलर है तुम लोग को ब्लैक कर देना है, ठीक है। ब्लैक करने के बाद इसको हम लोग करेंगे क्या, इसको छोटा करेंगे और इस प्लस वाले में क्लिक करके इस तरीके से हम लोग जूम कर लेंगे और जूम करने के बाद इसको हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे सिंपली। और इसको अगर जैसे दिक्कत हो रहा है इसे रोटेट करने में तो सिंपली इसको सेलेक्ट करके इधर स्क्रॉल करके जाना है और तुमको रोटेट वाला ऑप्शन चलेगा, इसको -2 कर देना है तो परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। होने के बाद इसको दोनों को हम लोग को लॉक कर देना है। तो अब तुम लोग इस थंबनेल में देख सकते हो यहाँ पर एक लाइट पीएनजी का यूज किया गया है और यहाँ पर एक वाइट जैसे शैडो यहाँ पर यूज किया गया है, तो उसको मैं यूज करके तुम लोग को दिखाया था जैसे कैसे है उसको एडजस्ट करना है, कैसे कैसे क्या करना है। तो सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट पर मैं क्लिक करके उस लाइट पीएनजी को सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट पर मैं क्लिक कर लिया हूँ और उस लाइट पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। सिंपली तुम यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड कर लेता हूँ। ऊपर सेट करने के बाद तुम लोग को यहाँ पर रखना है और इस पर क्लिक करना है और इसको जिस जो भी अपने से फ़ोटो तुम ऐड किए उसके बैक कर देना है, उसके पीछे थोड़ा सा कर देना है, ठीक है। ऐसे मैं कर रहा हूँ, तुम देख सकते हो इसके पीछे तुम लोग को कर देना है और उसके बाद तुम लोग को इस तरीके से एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। सिंपली थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर तुम लोग को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पर एक अलग यहाँ पर फील दिख रहा है। तो सिंपली इसका एक कॉपी तुम लोग को बनाना है और कॉपी बनाने के बाद तुम लोगों को ना इसको इस तरीके से करना है और यहाँ पर तुम लोग को रखना है और इसको भी तुम लोग को अपने फ़ोटो का पीछे नहीं, देखो मैं कहाँ पर कर रहा हूँ, ऐसे स्क्रॉल करके जाना है और जो तुम्हारा ईंट पीएनजी है ना उसके बैक कर देना है, ठीक है। ईंट पीएनजी उसके पीछे कर देना है और इसको लॉक कर देना है, ठीक है। एक वाले लाइट पीएनजी को फर्स्ट नंबर यूज किए हो और यहाँ पर तुम लोग को कुछ इस तरीके से यूज करना है, ठीक है। और इसका जो ऑपसिटी है थोड़ा सा कम कर देना है, मैक्सिमम इतना, ठीक है। करने के बाद अब तुम लोग को सिंपली इसको भी लॉक कर देना है इस वाले लाइट पीएनजी को और इस पर एक बार टैप करना है, इसका एक और तुम लोग को कॉपी बनाना है और इसका जो ऑपसिटी तुम कम जैसे कम किए हो इसको पूरा फुल कर देना है और तुमको कलर वाले ऑप्शन में चले जाना है और इसका जो कलर तुम लोग को वाइट कर देना है, ठीक है। वाइट करने के बाद यहाँ पर तुम लोग को रख देना है इसको, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद इस पर क्लिक करना है और अपने फ़ोटो का जो है ना उसका बैक करना है, ठीक है। अपने फ़ोटो के पीछे इस पीएनजी को लेकर जाना है सिंपली। यहाँ पर जाने के बाद तुम लोग को यहाँ पर वाइट देख सकते हैं, यहाँ पर शेडो फील दिखना चाहिए जैसे उसमें दिख रहा है उस वाले थंबनेल में। तो यहाँ पर तुम लोग को कुछ इस तरीके से कर देना है सिंपली। करने के बाद इसको भी तुम लोग को लॉक कर देना है। सो लॉक करने के बाद अब तुम लोग को लास्ट काम बच चुका है जैसे टेक्स्ट लिखने का। तो सिंपली मैं एक स्टेप बताऊंगा, बाकी तुम इजीली यहाँ पर लिख सकते हो। तो सिंपली इसको मैं यहाँ पर साइड करता हूँ और एक टेक्स्ट को ले लेता हूँ, न्यू टेक्स्ट को, और लेने के बाद इसका जो जैसे टाइटल है वीडियो का वो मैं लिख लेता हूँ, क्लिक करता हूँ और लॉली। लिख लेने के बाद अब तुम लोग को चले जाना है फॉन्ट वाले ऑप्शन में और फॉन्ट तुम कोई भी यूज कर सकते हो अपने अनुसार, बट मैं ये वाला फॉन्ट यूज कर रहा हूँ तुम देख सकते हो। सिंपली इसको मैं देखो क्या करना पड़ेगा, अब तुम लोग को इसका जो कलर है ऐसे कर देना है ऐसा,
और तुम लोग को इस तरीके से बड़ा में करके तुम लोग को दिखाता हूँ कि अच्छे समझ में आ सके, इतना तुम लोग कर देना है। और तुम लोग को 3D वाले ऑप्शन में चले जाना है, इसको इनेबल करना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तुम लोगों को। और सिंपली तुम लोग को नीचे की साइड जाना है और जो ये इनेबल है इसको डिसेबल कर देना है। तो अब तुम लोग को इसको कुछ इस तरह से करना है नीचे की साइड, और इसका जो साइज़ है तुम लोगों को वो तुम लोग को इतना कर देना है, सिंपली 2 कर देना है। 2 करने के बाद अब तुम लोग को सिंपली करना क्या पड़ेगा, इतना कर देने के बाद सही पर टिक करना है। सही पर टिक करने के बाद अब तुम लोग को स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसका जो है रेडी क्लिक करना है, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा करना है सिंपली कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इतना कर देने के बाद और तुम लोग का इसका एक कॉपी तुम लोग को बनाना है इस तरीके से। और कॉपी बनाने के बाद तुम लोग को इसका जो कलर तुम लोग को ग्रेनाइट पर क्लिक करना है और इस वाले कलर को ले लेना है जैसे सिंपली तुम देख सकते। और तुम इनका जैसे कलर कोड भी तुम यहाँ पर देख लो, इसका ऑरेंज वाले को और वो जो येलो कलर है इसका भी तुम कलर कोड देख सकते हो, ठीक है। सिंपली इसको यूज कर लेना। और इस तरीके से यूज करने के बाद अब तुमको देखो करना क्या पड़ेगा, जो भी स्ट्रोक दिया गया है इसको सिंपली तुम लोग को ऑफ कर देना है कुछ इस तरीके से, और तुम लोग को यहाँ पर रख देना है इसको, ठीक है, कुछ इस तरीके से। बट तुम लोग को 3D वाले ऑप्शन में जाना है और जो यहाँ पर साइज़ दिया गया है ना इसको तुम लोग को मैक्सिमम 2 कर देना है, और जो इसमें कलर वाले ऑप्शन में चला जाना है और तुमको ब्लैक करना है, ठीक है, ब्लैक मैक्सिमम कुछ इतना कर देना है। और इसको बीचों बीच तुम लोग को सबसे पहले ना एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद अब तुम लोग को चले जाना है इम्बोज वाले ऑप्शन में, ठीक है, इम्बोज वाले सॉरी, इसमें क्लिक करके इसको इनेबल करना है। और ये तुम्हारा प्रोग्राम है ना, इस पर बहुत सारे वीडियो बना हुआ है, तुम यूट्यूब पर देख सकते हो इजीली, ठीक है। तो इसको क्लिक करने के बाद अब तुम लोग को जो भी यहाँ पर पूरा बिलेबल को पूरा हाई कर देना है, और हार्डनेस को अपने अनुसार देख लेना, इतना मैं कर लेता हूँ 81, और लाइटिंग को थोड़ा सा कर लेना है जैसे मैक्सिमम देख सकते हैं इस तरीके से तुम कर करके देख सकते हो हर किसी में। तो मैं इतना कर लेता हूँ 65, एंड इंटेंसिटी को सो कुछ इतना कर लेना है, ठीक है। और बाकी तुम इस तरीके से करके देख सकते हो, अपने अनुसार भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। बाकी तुम इस तरीके से करके तुम टेक्स्ट से लिख सकते हो। बाकी जो ये प्रॉब्लम है ना जैसे ये वाला कटिंग वाला, इस पर बहुत सारे वीडियो बना हुआ है, उसके लिए अगर बताऊंगा तो और ज़्यादा जैसे लेट हो जाएगा, बट वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो तुम उसको यूट्यूब पर देख लेना और अपना जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर लेना। तो कुछ इस तरीके से तुम इस तरीके से टेक्स्ट बाकी का भी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है तुम लिख सकते हो। तो जो भी थंबनेल में अगर मिस्टेक दिखा होगा उसको तुम कमेंट करना कि भाई तुम ये मिस्टेक किए हो, उसको भी मैं आगे इम्प्रूव कर जैसे करूँगा। तुम लोग इसी तरीके से कॉमेडी वीडियो का थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर तुम लोगों को थोड़ा सा वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।